हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर? इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बात करेंगे आज की वीडियो में मल्टीपल शेयर्स की, और सबसे पहली कंपनी की बात करें, बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज के दिन में बात करेंगे। 771 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 4.60 रुपये की हालांकि बढ़ रही है, 766 रुपये के आसपास जो है लास्ट क्लोजिंग देखने को मिली थी। ओपनिंग गैप डाउन थी, मार्केट में रिकवरी आई तो SBI के शेयर ने भी रिकवरी दिखाई है, और कुछ ब्रोकरेज फर्म्स का मानना है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म में हमें 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 750 के स्टॉप लॉस जो है काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से SBI के लिए निकल कर आ चुके हैं। बीते 5 दिनों में 4% के आसपास की तेजी हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में रही भी है, और बीता एक महीना उतना अच्छा नहीं बीता है। एक महीने में कोई खास अच्छी पॉजिटिव ग्रोथ तो नहीं देखने को मिली, लेकिन ख़राब परफॉर्मेंस भी नहीं देखने को मिली है। 6 महीने की बात करें तो 31% के आसपास रिटर्न बीते 6 महीने में SBI का शेयर बनाकर दे चुका है। 1 साल की बात करें तो 47% के आसपास रिटर्न बीते 1 साल में, और 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 143% के आसपास के रिटर्न। एक एवरेज ग्रोथ की अगर बात करूँ तो SBI की उतनी ही ग्रोथ रही है, कोई बड़ी मल्टीवैगर रिटर्न स्टोरी जो है SBI की नहीं देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म में एक बड़ी तेजी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस लेवल्स पर जो है SBI के शेयर प्राइस में अभी देखने में और भी टाइम लग सकता है। अपडेट की बात करें तो इस बैंक के रिगार्डिंग अपडेट है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिक्लाइंस टू शेयर SOP फॉर सेल रिडेम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग जो मामला हम लोगों को रिसेंटली देखने को मिला था, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड्स दिए गए थे वो BJP को दिए गए थे, और ऐसे में अब जो है SBI की तरफ से एक डिक्लाइन नोट जो दिया गया है SOP फॉर सेल के रिगार्डिंग और रिडेम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज हैड फिल्ड अ पिटिशन अंडर RTI एक्ट सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द SOPs लीड डाउन बाय द बैंक फॉर द इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम। तो यहाँ पे किसी लोकल एक्टिविटीज ने जो है ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए RTI के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, और उसको जो है SBI की तरफ से नकार दिया गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के अंदर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द सोल इश्यूअर ऑफ द इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ऑन ट्यूजडे रिफ्यूज टू लेट आउट इट्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल बॉन्ड्स डेट वर इशूड टू इट्स अथोराइज ब्रांचेज। यानी कि जितने भी SBI की तरफ से जितने भी बॉन्ड्स को जो है अथोराइज किया गया था, अथोराइज जो है उनको दिया गया था, उसका जो एक बेसिक SOP जो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसकी डिमांड रखी गई थी, और उसको जो है बैंक की तरफ से नकार दिया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक सिटेड द एग्जेम्पशन गिवन अंडर कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू एन RTI रिस्पॉन्स, और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट जो हैं अंजलि भारद्वाज उनकी तरफ से RTI लगाई गई थी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम 2018 इशूड टू अथोराइज ब्रांचेज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड आर इंटरनल गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू सेल एंड रिडेम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक बॉन्ड्स विच इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 8(1)(d) ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, और सेक्शन 8(1)(d) ऑफ द RTI एक्ट पर्टेन्स टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड्स सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कम्पिटिटिव पोजिशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अनलेस द कम्पिटेंट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वॉन्ट्स दिस डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में RTI एक्ट का जो कानून है, सेक्शन जिसका 8(1)(d) के अंदर जो है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की संभावनाएं बनती नजर आ रही थी, उसको जो है SBI की तरफ से डिक्लाइन कर दिया गया है। जो ट्रांसपेरेंसी वो चाहती थी कि किस स्कीम के जरिए किस बेसिस पे आप लोगों ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है इशू किए हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहा है, उसकी डिमांड की गई थी, और उसको SBI की तरफ से नकार दिया गया है। मार्केट कैप की बात करें 6,87,000 करोड़ के आसपास का 52-week हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि देखिए SBI बैंक जो है उसको जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो एक नेगेटिव जो है इम्पैक्ट की उम्मीद की थी, और वो चीज़ हुई भी, ऊपरी स्तर से करेक्शन में आया स्टॉक, और वहाँ से वापस से मार्केट जैसे जैसे रिकवरी पकड़ा वैसे वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर ने भी रिकवरी दिखाई है। दिसंबर क्वार्टर में बैंक का जो लॉस था 17,858 करोड़ था, जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता नजर आया था। तो SBI के जो नंबर्स थे क्वार्टरली बेसिस पे वो ज़्यादा अच्छे नहीं देखने को मिले थे, और अभी एक्सपेक्टेड है कि Q4 जो है कहीं ना कहीं बैंक का और भी थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। तो SBI के इन्वेस्टर्स थोड़े से संभल कर जरूर रहें, हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 800 तक के लेवल्स SBI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक JSW एनर्जी लिमिटेड आज के दिन में 7% की तेजी के साथ 580 रुपये पर स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप
बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का 3 से 4 हज़ार तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, साथ में स्टॉक्स रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पोस्ट पाना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पे डेली लाइव मार्केट के अंदर मैं 1 से 2 डेमो कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों में आसानी हो जाती है। 542 रुपए के आसपास लास्ट क्लोजिंग थी, बीते 5 दिनों में 12% की तेजी है। एक महीने में नॉर्मल निचले स्तर से 461 रुपए के लेवल से उठकर स्टॉक 580 रुपए के लेवल पे आ चुका है, और बीते 6 महीने की बात करें तो 38% के रिटर्न है, 1 साल में 129%, 5 साल में 700%, और मैक्सिमम रिटर्न्स की अगर बात करें तो JSW एनर्जी ऑलमोस्ट 400% से ऊपर के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। लाइफ टाइम हाई लगाया था 2022 की स्टार्टिंग में, उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक को 200 के आसपास लेकर आई, और इस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई और 600 के लेवल के आसपास JSW एनर्जी पहुँच चुका है। तेजी की जो वजह है, तो कंपनी ने 5,000 करोड़ के फंड रेज की तैयारी की है QIP के जरिए, जिसकी वजह से स्टॉक ने एक नया 52-week हाई लगा दिया है। 5,000 करोड़ के आसपास का फंड रेज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के जरिए कंपनी जो है जनरेट करने की तैयारी में है। फर्दर डिटेल्स ऑफ द QIP विद रिगार्ड्स टू डेट ऑफ लॉन्च आर येट टू बी डिटरमाइंड, बट द बोर्ड हैज सेट अप अ फाइनेंस कमेटी टू टेक डिसीजंस ऑन इट। द फ्लोर प्राइस फॉर द QIP It's set at 510 per share, while the indicative issue price stands at 485 per share. तो यहाँ पे एक फंड रेज की तैयारी में 5,000 करोड़ का फंड रेज JSW एनर्जी जनरेट करने की तैयारी में, हालांकि अभी उसकी जो है डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है। फाइनेंशियल कमेटी ऑलरेडी JSW ग्रुप की तरफ से जो फाइनलाइज कर दी गई है, जिसमें 5,000 करोड़ के फंड रेज की तैयारी में JSW एनर्जी इस टाइम देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्टॉक में तेजी का भी मेन कारण बना है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो सर्वोटेक पावर सिस्टम 5% के अपर सर्किट में लॉक, 89.75 रुपये पे आज के दिन की क्लोजिंग है। बीते 5 दिनों में लगातार 3 दिन से स्टॉक में अपर सर्किट लगे हुए हैं, 1 महीना अच्छा नहीं बीता है। 1 साल में 352% और मैक्सिमम रिटर्न्स देखें तो सर्वोटेक पावर 3,461% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। तेजी की वजह क्या है, तो देखिए कंपनी ने यहाँ पे हाथ साझा कर लिए हैं इलेक्ट्रा EV के साथ में, और जिसकी वजह से स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। द कंपनी हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन फॉर अ जॉइंटली ऑन रिवोल्यूशनरी EV चार्जर टेक्नोलॉजी फॉर विच दे हैव फील्ड फॉर पेटेंट्स रिसेंटली। दीज ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस अनेबल फॉर DC चार्जिंग ऑफ एनी GBT भारत DC001 व्हीकल विच इज ऑन अ सब 200 वोल्ट DC प्लेटफॉर्म फ्रॉम द CCS2 चार्जिंग नेटवर्क थ्रू द एडिशन ऑफ अ कनेक्टर यूजिंग अ स्मॉल एडिशनल गैजेट। वैसे में इलेक्ट्रा EV के साथ में कोलैबोरेशन कंपनी को मोमेंटम देता नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, जिसके वजह से स्टॉक ने 3 दिन लगातार अपर सर्किट में 15% के आसपास रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिए हैं। दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़ के आसपास था, जो कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही जगह पर डिक्लाइन हुआ था, और अब यहां से उम्मीद है कि Q4 काफ़ी पॉजिटिव कंपनी का आएगा, जिसकी वजह से स्टॉक में तेजी भी बनेगी। हालांकि बीते सालों में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बनाकर दिए हैं, रिजर्व 67 करोड़ के, कर्जा मात्र 47 CR के आसपास का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग 61% है। जनवरी महीने में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, DI का स्टेक जनवरी में कम हुआ है, और पब्लिक की होल्डिंग भी Q4 के अंदर कम होती नजर आई है, जो कि जनवरी 2024 का डाटा कंपनी की तरफ से अपडेट किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।